हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लेनेट इंडिया की वीडियो सीरीज़ में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट एग्ज़ाम के ऊपर कि रीट एग्ज़ाम में जो 70-30 का रेशो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। वैसे रीट एग्ज़ाम की मैंने आंसर की अपलोड कर दी है, फाइनल आंसर की अभी नहीं आई है ऑफिशियली। जैसे ही वो आती है उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप नॉलेज प्लेनेट इंडिया यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, ऑफिशियल आंसर की का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से यही फ़ायदा होगा कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड, रीट एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स का थोड़ा आप लोगों का आइडिया भी लग गया होगा, और आप सभी का एक ही कंसर्न था कि 70 और 30 का जो रेशो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। रीट में आपके 70% रीट के परसेंटेज के कैलकुलेट होंगे और 30% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के कैलकुलेट होके उसके बाद जो दोनों के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। आइए देखते हैं किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है 70 और 30 का रेशो। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ लिया है रेशो जो अभी आप सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, उन कमेंट्स में से ही मैंने किसी के लिए हैं, दो एक दो स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट है, आपको सबको पता है कि आपके रीट एग्ज़ाम का आपको 70% आपका लिया जाएगा और 30% आपका होगा आपके ग्रेजुएशन का, यूजी का आपके होगा 30% और 30% 70% आपके रीट का होगा। तो ये तो सभी को पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिएगा एक स्टूडेंट है, उसके रीट में 70% बन रही है, रेट में उसके 70% बन रही है, और ग्रेजुएशन में उसके हैं यानी कि बीए में उसके है 62%। तो रीट का जो 70% है, उसके रीट में 70 है। अब 70% का भी हमें क्या निकालना है, 70% ही हमें निकालना है। तो देखिए, 70 का हमें 70% निकालना है, तो हमें उसको 70/100 से हम जो भी हमारी परसेंटेज बन रही है रीट एग्ज़ाम में, उसको हमें 70 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके 100 से इसे डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी डिवाइडेशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे 4900, ये 2 2 0, तो 2 0 कट होगी, 49 हमारे मार्क्स बन जाते हैं। तो रीट में अगर 70 मार्क्स 70% है, तो उसकी हमारी जो परसेंटेज जुड़ेगी वो होगी 49%। ग्रेजुएशन में अगर बीए में 62% है, तो ग्रेजुएशन में 62% का हमें क्या निकालना है, ग्रेजुएशन में हमारी 30% है, 30% ही हमें ग्रेजुएशन का लेना है, तो 62% है हमारे, तो हम उसका 30% निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमें निकालना है, और हम इसका निकालते हैं तो हमारे जो मार्क्स बनेंगे, हमारी जो परसेंटेज आएगी वो आती है 18.60%। तो देखिए, इस तरह से हमने 70% रीट का लिया और 30% ग्रेजुएशन का लिया, और हमारी जो ग्रैंड परसेंट बनेगी यानी कि टोटल परसेंटेज ऑफ जो हमारी होगी वो होगी 67.6%। तो इस तरह से फ्रेंड आपको निकालना है। एक और स्टूडेंट है, आनंद कुमार करके कोई था, मुझे इनका नाम ध्यान रहा क्योंकि उनके कमेंट 2 3 बार आए थे। उनका एक कंसर्न था कि उनके बीए नहीं है, एक्चुअली उनके बीएससी थी, वो बीएससी से है वो, तो उनके मार्क्स से रीट में उनके 114 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि उनके रीट में जो परसेंट बन रही है फ्रेंड वो होती है उनके 76%। ये स्टूडेंट इनके कमेंट आए हुए हैं, ऊपर वाले स्टूडेंट का नाम मुझे ध्यान नहीं रहा। सो आप लोगों ने अपनी परसेंटेज देख ली होगी किस तरह से निकालनी है। आपकी जो ग्रैंड परसेंट है वो आपकी बनेगी 67.6%। सेकेंड जो है स्टूडेंट, इनके मार्क्स आ रहे थे रीट में 114, यानी कि उनके रीट में जो परसेंट थी वो 76% हो गई। 114 मार्क्स हैं और हमारे 150 का पेपर था, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है, जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें आप 150 का भाग लगा के 100 से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके 76% में निकल जाएगी 114 मार्क्स की। अब 114 मार्क्स की हमें 70 रीट में हमारी तो परसेंटेज तो निकाल ली, अब रीट की जो परसेंटेज है 76, इसका भी हमें क्या लेना है, सिर्फ 70% लेना है। तो इसे हम 70 से मल्टीप्लाई करके 100 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो परसेंटेज बनता है उसकी वैल्यू जो आती है फ्रेंड वो आती है 53.20%। तो ये है रीट की 70%। अब इनकी जो बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन बीएससी के स्टूडेंट है, ये बीए नहीं थी इनके,
तो देखिए फ्रेंड्स, यूजी में इनकी परसेंटेज की थी 57। देखो इनकी रीट में तो काफ़ी अच्छी परसेंट बनी, लेकिन इनके काफ़ी पुराने स्टूडेंट होते हैं जिनके रीट ग्रेजुएशन में मार्क्स कम ही आते हैं। तो रीट में ग्रेजुएशन में इनके मार्क्स है 57%। तो 57% का हमें क्या निकालना है फ्रेंड, 30% निकालना है। तो हम लोग 57 का 30% निकाल लेंगे, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो परसेंटेज की वैल्यू आएगी वो आएगी 17.10%। ये आपके मार्क्स हो जाएगा रीट का और ग्रेजुएशन का। तो दोनों का मार्क्स को हम लोग को टोटल कर लेंगे तो हमारी जो परसेंटेज आएगी, यानी कि जो आनंद कुमार है इनकी जो ओवरऑल परसेंट बनेगी, ग्रैंड परसेंट जो होगी इनकी 70.3% इनकी ग्रैंड परसेंटेज होगी। तो इस तरह से फ्रेंड आपको अपनी अपनी जो मार्क्स है उसका 70 और 30% निकालना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है फ्रेंड, सिंपली आपको दो काम करने हैं। देखिए फर्स्ट में आपको देखिए जो आपके रीट में जितने मार्क्स हैं, यानी कि आपके रीट में जितने क्वेश्चन सही हैं उतने क्वेश्चन में आप, मान लीजिए आपके 117 क्वेश्चन सही है, तो आप लोग 117 में 150 का भाग लगा के 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से तो आपकी रीट की परसेंटेज निकलेगी। इसके बाद जो भी आपकी वैल्यू आती है, जितनी भी आपकी परसेंट आती है, आप उस परसेंटेज का 70% निकाल लीजिए। उसे सेम आप 70/100 से कैलकुलेट कर लीजिए, और इस पूरी प्रोसेस को आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो आपके मार्क्स आते हैं वो मार्क्स होंगे आपके रीट का 70%। वो होगा आपका रीट का 70%, और वो मार्क्स प्लस आपके जो बीए ग्रेजुएशन में आप बीए है, बीकॉम है, बी है, बीएससी है या बीकॉम है। तो देखिए बीएससी बीकॉम का जो भी आपके मार्क्स हैं फ्रेंड, उसका आपको 30% निकालना है। जो भी आपकी परसेंट है उसका आपको 30% निकाल लेना है। तो जो भी आप बीकॉम से है तो आपको बीकॉम का, बीएससी है तो बीएससी का 30%, और बीए का है तो उसका 30%। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे 70% तो रीट का और 30% आपके ग्रेजुएशन का। तो दोनों का जो मार्क्स है टोटल कर लीजिएगा, जो भी टोटल मार्क्स आएगा वही आपकी फाइनल परसेंटेज होगी। अगर आपकी कट ऑफ जो परसेंटेज है उसके कम जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपकी परसेंटेज अगर जो आपकी कट ऑफ जाती है उससे कम होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड कि रीट में इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस कितने हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है कि किस तरह से आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो सभी स्टूडेंट जो रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे नॉलेज प्लानेट इंडिया यूट्यूब चैनल के थ्रू, और अभी अदर स्टूडेंट्स भी, तो फ्रेंड आप सभी लोग अपने अपने जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स जो भी आपके टोटल परसेंट बन रही है या नहीं भी बन रही है, जिनको नहीं निकालना नहीं आ रहा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि वैसे इस वीडियो के बाद आप लोग निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको करना है, एक काम करना है, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने जो ग्रैंड मार्क्स आए हैं या गेट परसेंटेज है उनकी टोटल, वो हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके मुझे बताएं। इस तरह से हम सभी स्टूडेंट्स का कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या क्या रेशो रह रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड करेंगे, और स्पेशली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। वैसे अब तो सभी में अच्छी पोस्ट है, क्योंकि 54,000 की वैकेंसी कर दी गई है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा कि 54,000 की वैकेंसी कैसे की गई है। 35 पहले थी और 19 इसमें वापस जोड़ दी गई है, और इस तरह से 54,000 की ये वैकेंसी है। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चांसेस है कि कट ऑफ इस बार लास्ट टाइम की कट ऑफ से कम ही जा रही है। फिर भी आप सभी अपने अपने मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कीजिए, ताकि मैं आइडिया लगा पाऊँ कि स्टूडेंट्स का रेशो कितना है।